भारत के पिछले 500 सालों के इतिहास में छत्रपति शिवाजी एक ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने न सिर्फ भारतीय संस्कृति और उसकी परंपराओं को जीवंत किया बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिससे विदेशी हमलावरों खासकर मुगल सल्तनत का विघटन तय हो गया। भारतीय इतिहासकारों के डीन आरसी मजूमदार के अनुसार शिवाजी ने तुरंत ही लोगों का दिल जीत लिया। वे जोखिम उठाने और उसके परिणामों का सामना करने में सतर्क और अग्रणी सम्राट थे। विख्यात मराठा इतिहासकार जी एस सरदेसाई भी मानते हैं कि शिवाजी की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ कई गुप्त सम्मेलन किए और हिंदुओं के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए मुस्लिम नियंत्रण से अपनी मातृभूमि को मुक्त करने पर बहुत गहनता से विचार विमर्श किया। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे कि हम उन्हें आज भी बिना किसी बदलाव के स्वीकार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य अपने विषयों को शांति, सार्वभौमिक सहिष्णुता, सभी जातियों और पंथों के लिए समान अवसर, प्रशासन की एक लाभकारी सक्रिय और शुद्ध प्रणाली, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नौसेना और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित मिलिट्री देना था। महादेव गोविंद रानाडे बताते हैं कि वह नेपोलियन की तरह थे। शिवाजी अपने समय में एक महान संगठनकर्ता और नागरिक संस्थाओं के निर्माता थे। कई अन्य इतिहासकार उनके बारे में विभिन्न बातें लिखते हैं। शिवाजी सैकड़ों एकड़ भूमि, किलों, समुद्री किलों और हजारों सैनिकों के स्वामी बन गए थे। भारतीय जनता शिवाजी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगी जो उनका भाग्य बदल देगा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण उन्हें हिंदूपति पातशाह के रूप में उल्लेखित करते हैं। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा कि जिस प्रांत में लोकमान्य तिलक महाराज का जन्म हुआ, जिस प्रांत ने आधुनिक युग के नायकों को जन्म दिया, जिसने शिवाजी को दिया और जिसमें रामदास और तुकाराम फले फूले, उस प्रांत की यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज शाहजी भोंसले और जीजाबाई के द्वितीय सुपुत्र थे। उनका जन्म शिवनेर की पहाड़ी किले में हुआ था जो अब पुणे जिले के सुदूर उत्तर में जुन्नार शहर के पास स्थित है। उनकी माता जीजाबाई असाधारण क्षमता, चरित्र और दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। वे जीजा माता की देखरेख में ही बड़े हुए थे और इसी वजह से शिवाजी के अंदर भारत की अमूल्य सांस्कृतिक परंपरा के लिए एक विशेष लगाव भी था। साथ ही उनके धार्मिक आस्था और सहनशील रवैया का निर्माण भी इसी परवरिश की देन थी। अपने सैन्य संगठनों में शिवाजी ने दक्षता का लक्ष्य रखा। संख्यात्मक शक्ति में अपने दुश्मनों से बहुत कमतर होने के बावजूद उन्होंने संख्या की कमी की भरपाई गुणवत्ता से करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने अपनी सेना में सख्त अनुशासन लागू करने की कोशिश की और न केवल सैन्य प्रवृत्ति बल्कि अपने सैनिकों की देशभक्ति का भी आह्वान किया। स्कॉट वॉरिंग कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले शिवाजी ने 400 मील लंबे और 120 मील चौड़े देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उनके किले भारत के पश्चिमी तट के किनारे पहाड़ों की विशाल श्रृंखला तक फैले हुए थे। नियमित किलेबंदी ने खुले रास्तों को रोक दिया था। हर दर्रे पर किले थे, हर खड़ी और लटकती चट्टान पर पत्थरों के बड़े बड़े ढेरों को लुढ़काने के लिए स्टेशन बनाया गया था जो नीचे की ओर जाते थे और घुड़सवार सेना, हाथियों और सेनाओं के मार्ग के अवरोध का कारण बनते थे। 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य ने उत्तर में काबुल प्रांत से लेकर दक्षिण में त्रिचनापल्ली, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में असम के बाहरी इलाकों तक भारत के एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया था, मुगल सम्राट का शासन देश के हर हिस्से में चला था। लेकिन 1719 में शक्तिशाली औरंगजेब की मृत्यु के 12 साल के भीतर ही भीतर मराठा दिल्ली में आए और मुगल राजधानी के मुख्य मार्गों पर मार्च किया। 1740 तक मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 1751 में उन्होंने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और बंगाल और बिहार पर चौथ वसूला। 1757 में उन्होंने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया और 1758 में हम देखते हैं कि उन्होंने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया और अटक के किले पर मराठा झंडा लहरा दिया। मराठों ने विदेशी दुश्मनों से निपटने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उन्होंने पुर्तगालियों के कब्जे से उत्तरी कोंकण को आज़ाद कराया और अफगानिस्तान से हमलावरों को खदेड़ने के लिए
पानीपत के युद्ध में अपने जानों की कुर्बानी भी दी। शिवाजी का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास की एक असाधारण घटना है। आम धारणा यह थी कि मुगल साम्राज्य भारत की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है। मुगलों के साथ की गई संधियों को भारत के साथ की गई संधियों के रूप में माना जाता था। शिवाजी और उनके मंत्रियों को लंबे समय से यह महसूस हो रहा था कि वे एक ताजपोशी राजा नहीं हैं। सच है, उन्होंने कई भूमियों पर विजय प्राप्त की थी और बहुत धन इकट्ठा किया था। उनके पास एक मजबूत सेना और नौसेना थी और एक स्वतंत्र शासक की तरह लोगों पर जीवन और मृत्यु की शक्ति का प्रयोग करते थे। लेकिन सिद्धांत रूप में उनकी स्थिति एक अधीन व्यक्ति की थी। मुगल सम्राट के लिए वे एक मात्र जमींदार थे। आदिल शाह के लिए वे एक जागीरदार के विद्रोही पुत्र थे। स्थिरता और कानून के शासन की व्यापकता की मांग ने पुराने समय सम्मानित रिवाज के अनुसार राज्याभिषेक के माध्यम से राज्य को औपचारिक और कानूनी मान्यता प्रदान करना आवश्यक बना दिया। शायद मराठा राज्य के बचे रहने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था। महादजी शिंदे के अनुसार 1784 से 1803 तक मराठा झंडा दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर गर्व से लहराता रहा। जैसा कि फॉरेस्ट ने कहा है, 1803 में असाई की लड़ाई के बाद ही भारत पर वर्चस्व अंग्रेजों के हाथ में आया। अगर शिवाजी का जन्म नहीं हुआ होता और अगर मराठा क्रांति ने 18वीं सदी के मुगल साम्राज्य के मलबे को नहीं हटाया होता तो भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम शायद और अलग और विनाशकारी दिशा में चलता।